नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, महीने में दो एकादशियां आती हैं और दोनों ही एकादशी अपने आप में परम कल्याणकारी होती है, परम मंगलकारी होती है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे अजा एकादशी की। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अजा एकादशी की महिमा इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस दिन दान करने के परिणाम बहुत शुभ होते हैं। तो पूरी तरह से चर्चा करेंगे अजा एकादशी की, इसके महिमा की, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 सितंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:28 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 5:06 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:25 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 10 सितंबर 2023 यानी रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। शुक्र फिलहाल विद्यमान है कर्क राशि में और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि अजा एकादशी का महत्व क्या है। अजा एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हर महीने दो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। एकादशी की जो तिथि है ये व्रत के लिए, उपवास के लिए, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझी जाती है। एकादशी की तिथि ऐसी तिथि है जिस तिथि पर अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो आप अपने मन को, अपने शरीर को, दोनों को बेहतर बना पाएंगे। इस तिथि को स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है एकादशी पर ध्यान करना या प्रभु के निकट रहने का प्रयास करना, यानी उपवास रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो एकादशी की तिथि पर हर समस्या को सुलझा सकते हैं। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और अजा एकादशी पर अगर आप उपवास करते हैं या आप पवित्र नदी में, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं तो शारीरिक समस्याएं आपकी दूर होती हैं
और अजा एकादशी का एक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अजा एकादशी पर विशेष दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो हर एकादशी से लाभ होता है, लेकिन अगर आप अजा एकादशी पर दान करते हैं, निर्धन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो इससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यानी अजा एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। और इस बार अजा एकादशी का जो संयोग बन रहा है वो बन रहा है 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को अजा एकादशी का पालन करने से आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। अजा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा में फिलहाल सावधानी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखें। हालांकि एक राहत की बात यह है कि धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। समस्याएं अगर जीवन में हैं तो अपने परिवार में समस्याओं पर बात करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको बताया कि अजा एकादशी पर व्रत तो रखेंगे ही, उपवास रखेंगे ही, लेकिन अजा एकादशी पर दान जरूर करेंगे। तो कैसे करेंगे अजा एकादशी के दिन दान और किन बातों का ख्याल रखेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान किया जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप अलग अलग चीजों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। एक बात मैं बता दूं कि शास्त्रों के हिसाब से अन्न केवल एक ही है, वो है चावल। बाकी जो चीजें हैं वो अन्न की श्रेणी में नहीं आती। इसीलिए जब भगवान को अन्न का महाप्रसाद चढ़ता है तो आप देखिए वो चावल का प्रसाद होता है। पूजा में जब देवी देवता को अन्न अर्पित करते हैं तो अक्षत लेते हैं चावल के। यानी अन्न का दान करना, चावल का दान करना जरूरी होगा अगर आप चाहें। और जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। अगर आप भोजन का दान कर रहे हैं तो भोजन में प्याज लहसुन नहीं रहेगा।
दान या तो प्रातः काल करिएगा, अजा एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद दान करें, या अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद दान करना उचित होगा। और दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी सात्विक, योग्य और सदाचारी ब्राह्मण को। अगर आप ये दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकें उस हिसाब से भी अगर आप अजा एकादशी पर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में बड़ा लाभ होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, दुर्घटनाओं से फिलहाल सावधान रहें, करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें। हालांकि दोपहर के बाद से जीवन की और दिन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अजा एकादशी पर अलग अलग दान कौन से किए जाएं जिससे हमारी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। विशेष मनोकामनाओं के लिए किन विशेष चीजों का दान करेंगे? स्वास्थ्य की अगर आपको समस्या रहती है या आप अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहते हैं तो अन्न का दान करिएगा या खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, धन की दिक्कत आपको परेशान कर रही है तो वस्त्र, जूते या छाते का दान करिएगा। कपड़े का, जूते का या छाते का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह होने में अड़चन आ रही है तो आप अजा एकादशी पर केसर का, केले का या हल्दी का दान करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वाद विवाद या मुकदमे से अगर मुक्ति चाहते हैं तो मीठी चीजों का दान करिएगा, खास तौर से गुड़ का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो इसमें आपको दान नहीं करना है। किसी सार्वजनिक स्थान पर
पीपल का एक पौधा लगवा लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप वैसे ही सामान्य रूप से दान करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप किसी की सहायता के उद्देश्य से दान करना चाहते हैं, तो अन्न या वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ होगा। अब जानते हैं कि किन मंत्रों का जप अजा एकादशी पर किया जाए जिससे विशेष फायदे जीवन में प्राप्त हों। पहला मंत्र है ओम उपेंद्राय नमः, ओम उपेंद्राय नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और तीसरा मंगल मंत्र है, शुभता का मंत्र है, मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। फिर से नोट करें, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इनमें से किसी भी एक मंत्र का अगर आप अजा एकादशी पर जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, नौकरी में आपके स्थिरता आएगी, चोट चपेट से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, काम के दबाव में काम के प्रेशर में थोड़ी कमी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन का नुकसान इस समय हो सकता है, हालांकि किसी मित्र की सहायता मिलेगी और मुश्किलें समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, डायबिटीज शुगर की समस्या से परेशान है, तो पका हुआ केला मत खाइएगा, पका हुआ केला आपके लिए नुकसानदायक होगा। जबकि अगर आप कच्चा केला खाते हैं, कच्चे केले की सब्जी आदि बना करके खाते हैं, तो कच्चा केला खाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।